गणेश विसर्जन हेतु नगर निगम अध्यक्ष का औचक निरीक्षण। आज दिनांक जबलपुर में गणेश विसर्जन हेतु नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू विज ने किया नगर एवं विसर्जन कुंड का औचक निरीक्षण। निरीक्षण में अध्यक्षों के द्वारा त्रुटियों एवं व्यवस्थाओं का किया गया निराकरण। साथ ही अध्यक्ष रिंकू विज ने बताया, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी माँ नर्मदा जी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जाएगा। नगर निगम द्वारा तिलवारा घाट, भटोली घाट और ग्वारी घाट में मूर्ति विसर्जन कुंड बनाए गए हैं एवं नगर के प्रमुख चौराहों पर पानी के ड्रम रखे गए हैं जिनमें मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। निगम अध्यक्ष ने बताया, संस्कार धानी वासियों को सूचित किया जाता है कि आप सभी नगर निगम के द्वारा की गई व्यवस्था ड्रम एवं विसर्जन कुंड में ही मूर्ति का विसर्जन श्रद्धा पूर्वक करें। गणेश उत्सव एवं मूर्ति विसर्जन हेतु कुंड में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई जिसे घटना दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम तथा उच्च स्तर की नौकाओं की व्यवस्था व्यापक रूप से की गई। नगर निगम का अध्यक्ष एवं संस्कारधानी का नागरिक होने के नाते संपूर्ण संस्कारधानी वासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। नगर निगम के द्वारा भटोली में, तिलवारा में एवं हनुमान ताल में जितने भी कुंड थे हमारे विसर्जन के, उसमें पूर्ण रूप से साफ सफाई व्यवस्था करके जो भी निर्माण के कार्य थे वो पूरे करते हुए ट्रेन लगा के, नाव रख के, नगर निगम के कर्मचारी लगा के पूरी व्यवस्था करी गई है। साथ ही साथ शहर के हमारे प्रमुख चौराहों में भी ड्रम भर के व्यवस्था करी गई है। मैं संस्कार दानी की सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन करूँगा कि नर्मदा जी में मूर्तियों को विसर्जन बिल्कुल ना करें। निगम ने जहाँ जहाँ व्यवस्था करी है उस व्यवस्था के तहत आप सभी विसर्जन कुंड में या फिर चौराहों में जो हमने ड्रम रखे वहाँ पे गणेश जी का विसर्जन करें। सारे विसर्जन कुंड है, जैसे हम बात करें भटौली की, तिलवारा की या अपने हनुमान ताल की, वहाँ पे क्रेन की व्यवस्था करिए, नाव की व्यवस्था करिए। गोताखोर वहाँ पे रहेंगे, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी की पूरी टीम वहाँ रहेगी। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप केवल मूर्ति लेके जाएं, वहाँ पे उनको विसर्जित करने के लिए निगम की टीम उपलब्ध रहेगी। क्योंकि काफ़ी पार्षदों से पत्र मिल रहे हैं संबंध में आगामी त्यौहार को लेकर। मैं माननीय महापौर जी से भी बात कर रहा हूँ इस विषय में कि गड्ढों का भराव बहुत जरूरी है और शीघ्र होना चाहिए। कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई है, आयुक्त महोदय से, उनसे भी मैंने बात करी है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा जो चल समारोह रहेगा उससे पूर्व पूरी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। गणेश उत्सव के लिए नगर वासियों के लिए आपका क्या संदेश है? गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान सभी के घरों में खुशहाली लेकर आए। जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।